जितने भी टूरिस्ट है मैं उनको यही कहूंगा, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको जाके देखो और इंजॉय करो। आने वाले दौर में कौन सी ऐसी जगह होगी जो कि टूरिज्म का स्पॉट बनेगी? जब वो उधर से अब 200 का पाउंड है, जब यहाँ के वो कोई चीज लेते हैं उन्होंने 1 रुपए में उनको अच्छी 1 पाउंड में उनको अच्छा खासा मिल जाता है। सबसे ज्यादा लगता है कि हंगरी बुदापेस्ट। अच्छा, आपने कितनी कंट्रीज जो है वो घूमे? अच्छा, सस्ती टिकट्स कैसे मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पे? पूरा यूरोप किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, यूएसए, लंदन। अस्सलाम वालेकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद पीएनवाई में, मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, आज हमारे साथ travel.com के CEO खिज़र अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और आने वाले वक्तों में कौन सा ऐसा स्पॉट जो है वो टूरिज़्म के लिए बेस्ट स्पॉट माना जा सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वो तो आपके चेहरे की स्माइल से भी लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, चूँकि टूरिज़्म के से मुतल्लिक जो है आपका सारा का सारा बिजनेस है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में कौन सी ऐसी जगह होगी जो कि टूरिज्म का स्पॉट बनेगी? फॉर आउट ऑफ कंट्री? या फॉर आउट ऑफ कंट्री। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा लगता है कि हंगरी बुदापेस्ट। Okay. और ये सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ये वो नाम है जो मैंने अभी तक नहीं सुने होंगे। बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि ये और 80% पाकिस्तानियों ने नहीं सुना, किसी को भी नहीं पता होगा कि ये हंगरी किधर है और बुदापेस्ट किधर है। और लेकिन ये वो है जगह कि जहाँ टूरिज्म, मतलब जब आप यूरोप का, आप जब इसको गूगल करते हैं top 10 में, तो इसका नंबर आता है top 10 में। मतलब इसको गूगल करते हैं तो यूरोप में इसमें top 10 में ये बुदापेस्ट। और ये टूरिज्म में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, ये फ्यूचर में ये लाइक इज पेरिस और इस तरह। आपको इस वजह से लगता है कि ये फ्यूचर में आगे जाएगा कि आगे जा रहा है? ओके ओके, क्या ज़बरदस्त। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, मुझे वहाँ फील हुआ, इतना टूरिस्ट देखा है, क्योंकि वो सस्ता भी है और फिर वो लोग, मतलब उन्होंने इतना अफोर्डेबल किया हुआ है हर चीज़। पहले हमें लगता था कि जी वहाँ मुसलमानों के लिए हमें फूड का बड़ा प्रॉब्लम होता है, वहाँ टर्किश रेस्टोरेंट इतने ज्यादा हैं, सीरियन, टर्किश, और टर्किश की वीडियोस भी आती रहती हैं, वो कौन वाली स्पेशली। हाँ, वो तो इस्तांबुल में ज्यादा है उसके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सस्ती टिकट्स कैसे मिल सकती है इंटरनेशनल लेवल पे? अगर मोस्टली ये होता है कि डिपेंड करता है कि अगर आपका मोस्टली पाकिस्तानी का प्लान कोई 100% कन्फर्म नहीं है, एग्जैक्टली वो अगर मोस्टली, अब जिस तरह हमें ये मिली हुई होती है डील के बाय वन गेट वन फ्री, लेकिन आप उसको जब और डील लेते हैं, एक बिजनेस क्लास लें दूसरी बिजनेस क्लास फ्री, लेकिन उसके ऊपर आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ये होता है कि जब हम ले लेते हैं, लेकिन हम फिर उसको कहते हैं चेंज करना है, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप अगर प्लान बना हुआ है 3 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने, फिर आपको सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती है, क्योंकि आपने प्लानिंग के मुताबिक किए। हमारे मुल्क में लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो कि टूरिज्म में है, तो लाहौर से ज़्यादा लोग होते हैं या दूसरे शहरों से ज़्यादा होते हैं? लाहौर से ज़्यादा, लाहौर से ज़्यादा होते हैं। तो लाहौरियों के दिल बड़े इस वजह से बाहर से खाने पे ही और ट्रैवलिंग के लिए भी। अच्छा जी, अक्सर ये सुना जाता है कि 50% ऑफ है जी जी। किसी भी टूरिज्म के वेबसाइट पे चले जाएं, ब्रोशर्स लगे हुए होते हैं, 50% ऑफ है, लेकिन टैक्सेस वैक्सीज डाल के वो फिर बात वहीं पे आ जाती, इसकी क्या वजह है? असल में मोस्टली ये कि 50% उसका ये होता है, जो रेगुलर फेयर है ना, उस फेयर उसमें मुख्तलिफ किस्म के फेयर होते हैं, वाई क्लास, एच क्लास। अगर आप उसको पहले परचेज करें, मतलब आपका कोई प्लानिंग है 1 महीना पहले परचेज कर लें, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब है कि उन्होंने एयरलाइन ने किया हुआ कि जी अगर आप पहले लेते हैं, एक टिकट है 20,000 की, तो वो आपको 12,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, इस तरह कोई 11,000 की मिल जाती है। तो टैक्सेस का ये मामला क्या होता है? क्योंकि हम लोग वही पाकिस्तानी जो ये सोचते हैं कि यार 500 रुपये की ये चीज़ थी, इन्होंने मुझे कहा कि 50% ऑफ है, 2.5 रुपये की है, तो लेकिन फिर भी मुझे 6 रुपये में पड़ रही है, 5 में पड़ रही है, तो इसकी क्या वजह होती है? टैक्सेस का तो ये कि टिकट का तो टैक्सी सारों का होता है, बेसिक फेयर में उसमें डिफरेंस होता है कि टैक्सी तो कभी उधर से बढ़ा दिए, इधर से कम कर दिए और काम पूरा हो जाता है। मतलब अपना झंडा वहीं पर रखना है, लहराता रखना है, उसको डाउन नहीं करना। और डोमेस्टिक तो हमारे पास चॉइस ही कुछ नहीं है, पी आई है, अब 2-4 एयरलाइन नई आई है, तो उसकी वजह से ये बेहतर हो गए। ब्लू है, ये सियाल है, अब ये दूसरी एयरलाइन आई है, उससे बाकियों से कॉम्पिटिटिव अब वो ज्यादा हो गया, वरना पहले पी आई होती थी और एयर ब्लू, और इससे ज्यादा चेंजिंग आएगी। ओके ओके ओके। अच्छा, पाकिस्तान में अंदर आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होगी टूरिज्म की या नहीं होगी? अब ये जिस तरह आप ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाह रहे हैं कि ये कर रहे हैं, अगर ये करते रहे तो फिर इसका है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है आपको साफ और सही प्लेन नजर आता है कि जी वो कोशिश तो नहीं, क्यों लगता है ये सवाल? असल में ये कि उसको पता है कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है पूरे मुल्क, जितने भी मैंने आपको जिसका हंगरी का बताया है,
थाईलैंड का बताया, ये दूसरे ये जितने कंट्री ये टूरिज्म पे ही हैं, जितना टूरिस्ट आएगा तो बाहर से तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम इसी तरह ही रहेंगे, तो वो तो फिर कभी ये सिस्टम चेंज होने ही नहीं है। अगर टूरिस्ट हमारी तो यही कोशिश है, मैं आप जिस तरह मेरे दोस्त हैं बाहर के, मैं उनको लेके आया हूँ स्वीडन से, वो कहती है कि इतना सस्ता और इतना अच्छा, मतलब उनके लिए तो ये जन्नत है। एक तो करेंसी का प्रॉब्लम, जब वो उधर से 200 का पाउंड है, जब यहाँ के वो कोई चीज़ लेते हैं उन्होंने 1 रुपए में उनको अच्छी 1 पाउंड में उनको अच्छा खासा मिल जाता है, हमें करेंसी का उनको फायदा। वैसे भी करेंसी जो है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, आपने कितनी कंट्रीज जो है वो घूमे? मैंने ट्रैवल किया हुआ है, पूरा यूरोप किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, USA, लंदन, जगहों पे सारा। पसंदीदा डेस्टिनेशन क्या है? मेरे तो यूरोप ही है, बुडापेस्ट, प्राग और ये मुझे सबसे बेहतर। कितनी दफा गए वहाँ पे? मेरा ख्याल है कि मैं कितनी दफा गया, मुझे पता नहीं है कि मैं कोई 10-12 साल से जा रहा हूँ। जबरदस्त। और मैं जब इटली जब गया था, इटली में गया था 2005 में। ओके ओके ओके। ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था? ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 2003 में। जबरदस्त। आइडिया कैसे आया था? मुझे शौक है ट्रैवलिंग का। अच्छा अच्छा। मैं खुद ट्रैवल एजेंटों के पास जाता था, मुझे 2-3 दफा पूरा एक्सपीरियंस हुआ, तो उस वजह से फिर ये मुझे, फिर आपने कहा कि अब बुरा एक्सपीरियंस किसी और का ना हो। लोगों को जब मैं लेके गया हूँ, मैंने जब इस पे किया हूँ कि मैंने खुद जाके पहले मैं विजिट करके आया हूँ इन कंट्रीज सारा। इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है? प्रॉफिट अगर आप सही करें नियत से तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, मतलब है कि आप लोगों को सही दें, मतलब मैं आपको कहता हूँ हाँ जी 5-स्टार होटल हैं और आपको ये सारी सहूलतें हैं, वहाँ जाके मैं कहूँगा आप पैसे मुझे दिए हुए हों और वहाँ जाके कुछ ना हो तो फिर वो क्लाइंट। अच्छा, ये भी मेरा ये है कि जब मेरे जितने भी क्लाइंट है वो रिपीट होते हैं। आपने अपनी फैमिली के मुझे 8-10 लोग और भी दे देने, उससे मेरा बिजनेस और ज्यादा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जो बात आपने की, ये भी एक बड़ा एक अलमिया है कि जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं उस पर हम पूरा नहीं उतरते, और वहाँ पर जाकर उनको कोई भी सहूलियत जब फराहम नहीं की जाती। अगर 5 क्लास की बात हुई है तो उन्हें 1 क्लास दिया ही नहीं जाता, 1 क्लास की बात होती है लेकिन उनके B और C में दिया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? मोस्टली यही है ना, यही तो प्रॉब्लम है, इस वजह से ये मशहूर है कि वो कहते हैं ना कि जी चुगुर्जी वाले जहाज में बिठा के कहते हैं असि दुबई पहुंचा दे, असल में पंजाबी है सारे सारे जी, जितने भी लोग हैं ना इन्होंने बस इसको ना इस प्रोफेशन को इतना खराब किया, आप किसी को कहना ट्रैवल एजेंट वो 1 मिनट के लिए कहेगा नहीं जी मैंने इससे डरना है इससे बचना है, प्रॉपर्टी डीलर हो गया ये हो गया इनसे डील। अब लेकिन ये कि मोस्टली अगर आप लोगों के साथ उनको सर्विसेज अच्छी दें तो मेरा ख्याल है कि आपके क्लाइंट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ओके 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 ओके। अच्छा, आपका कोई ऐसा मतलब ड्रीम हो जो अभी तक पूरा ना हुआ? मेरा ऐसा नहीं, मेरा तो इस तरह नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान है ये मेरा ड्रीम है और हमारे मुल्क में इसी तरह ही हो, जो मनी चेंजर जितनी हैं उनके पास लोगों का रश लगा हो, पैसे चेंज हो रहे हों और हमारे मुल्क में पैसा आ रहा हो, बस पैसा आए और बाकी मतलब ये लोग खुशहाल हों। एक टूरिस्ट आता है, ये लोग आते हैं उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। okay, okay, वो उन्होंने कुछ उन्होंने खाना भी है, उसने शॉपिंग भी करनी है, जिस तरह हम लोग जाते हैं यूरोप तो हमने जाना है, हमने कहना है ज़ारा से भी खरीदने हैं और ब्रांड से भी खरीदने हैं और हमने जितने भी पैसे होते हैं हमने वहाँ जाके सारे खर्च ऐसे ही है। मैं भी ये चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी हमारे मुल्क में आके खर्च करें, हाँ, और हम उनके साथ बात करें। अच्छा, आप एक क्लाइंट के साथ अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी क्लाइंट से आपने बात करनी, उसको किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि वही बात आपके वाली ट्रैवल एजेंट बता दिया तो भाई इससे डरना है, तो उस चीज़ को लोगों का वो फिर किस तरह दूर करते हैं? तो मोस्टली जो मैं जो जो मुझे पहले तो मैं क्लाइंट देखता हूँ कि जी वाकई ये तो जाने तो, वाला भी है या नहीं, ये टूरिस्ट है भी ये नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग तो कहते हैं कि जी हमें ले जाओ और फिर वापस हम ना आए, तो वो तो नहीं है। अगर जो जाने वाला है तो मैं उसको सारा वेबसाइट से। अच्छा, जो जाके वहाँ पे रुक जाते हैं या गुम हो जाते हैं या कुछ ऐसा मामला कर लेते हैं तो उनका भी आप पे आ जाता है? हमारे हम इसलिए हम कुछ नहीं, अगर मैं अपनी लाइफ में अगर मैं किसी एक बंदे को भी लेके गया हूँ, अगर अम्बेसी के मेरे थ्रू वीज़ा लगा है अगर वो वापस नहीं है तो अम्बेसी मुझे ब्लैक लिस्ट कर देगी और वो पूरे यूरोप जितने भी हैं अम्बेसी उनमें वो आपका वो चला जाएगा अधिकार के जी ये ट्रैवल एजेंट है और इसने इस तरह, इसलिए तो ये सारे बदनाम हो गए हम लोग सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है पहले? मेरा आज तक नहीं हुआ। ओके ओके। कोई अम्बेसीज में भी ये होते हैं कि अगर आप अम्बेसीज वाले हमें इसलिए वो लुक आफ्टर ज़्यादा सही तरीके से करते हैं, उनको पता लग गया है, मैं जितनी दफ़ा लेके जाता हूँ वो मैं से बार बार यही सवाल पूछते हैं कि ये वापस आएंगे एक ही मेजर सवाल होता है, यही होता है कि उनको जितनी भी गारंटी दे दोगे ये वापस आएंगे,
उनको पता है कि जी मैं इनके साथ जाता हूँ, लोगों को पूरा ट्रिप कराता हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ मैं ये करता हूँ, वो पासपोर्ट लेके अम्बेसी जाके रिपोर्ट बैक करता हूँ। हम जाते हैं ट्रिप के साथ वापसी उनको रिपोर्ट बैक करनी है, तो आपका एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट हो। तो फिर मेरे पूरी लिस्ट बनी हुई है कि उनको जब मैं आज ये वीजे जमा कराता हूँ या उनके डॉक्यूमेंट जमा कराता हूँ तो उन्हें बताता हूँ ये 500 लोग पहले मेरे साथ गए थे, ये नाम थे, इनकी सड़ों पर मैं रिपोर्ट बैक की। ओके ओके, तो क्लाइंट के साथ डिस्कस कैसे करते हैं अबाउट ट्रिप, क्योंकि अक्सर लोगों का फियर होता है, कोई आना नहीं चाह रहा होता, उनको कायल किस तरह करता है? मोस्टली जो उनको तो यही है ना, जिस तरह आप फर्स्ट करें किसी ने जाना है ये यूरोप या कुछ, उनको बता उसको बताते हैं कि जी ये जगह है इस तरह, उनको पूरा असल में ना पाकिस्तानी जितने भी थे कम्युनिकेशन दुबई थाईलैंड मलेशिया से जा जाके तंग आ चुके हैं, उनकी फैमिलीज भी ये भी। अब वो उनको जब नया डेस्टिनेशन आता है उनको हम बताते हैं कि उनको ये सारा कुछ बताते हैं कि ये है जगह है इस तरह है, ये शॉपिंग है, ये सारा कुछ है और यहाँ ये फूड है, ये सारी चीज़ें, उससे वो फिर वो कायल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। जबरदस्त। अच्छा जी, अगला जो हमारा राउंड है वो रैपिड फायर का है और विद इन 5 सेकेंड आपने उसका जवाब देना है। सबसे पहले ये है कि 5 सूबों के नाम बताएं। पांच सूबों पाकिस्तान के 5 सूबे हैं ना, या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ? इनके नाम बताओ। नाम बताएं। बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, 4 या 5? आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अच्छा जी, हु डू यू एडमायर द मोस्ट? किसको एडमायर द मोस्ट? नहीं पता। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। ऑनेस्ट। ये आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं हूँ। और क्या कहते हैं, ऑनेस्ट हूँ और अपने आप को डिस्क्राइब ही नहीं करना आ रहा 3 वर्ड्स में। मुझे इसका कुछ है नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है कि किस तरह मैं पहले तो भाई। बिगेस्ट अचीवमेंट। बिगेस्ट अचीवमेंट, मैंने जो इतने ज्यादा लोग लेके गए और सारे वापस आ गए, ये मेरी लाइफ की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फेवरेट कलर? व्हाइट। ओके, और इसके साथ 2 और बताने। फेवरेट कलर ब्लू और ग्रीन। आपने पहना भी है लेकिन वाइट नहीं पहना हुआ इसके साथ। अच्छा जी, आपके नज़दीक सक्सेस की डिफिनेशन क्या है? सक्सेस हार्ड वर्किंग, मेरे लिए यही है कि अगर आप सही जो भी आप काम कर सही मानों में मेहनत करने वाला जो है, शॉर्टकट तो आपकी लाइफ में है ही नहीं। ओके, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे एक दिन आपको वो मंजिल मिल जाती है या जो आपके टारगेट आपने अचीव करना हो तो वो। ओके, जबरदस्त। जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं उनको कोई पैगाम दे दें। मैं जितने भी टूरिस्ट हैं मैं उनको यही कहूँगा, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको जाके देखो और इंजॉय करो। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि खूबसूरत कितने शहर हैं, कितने ममालिक जो हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर कितने खूबसूरत हैं, उनको घूमना चाहिए, देखना चाहिए और अपने आप को जो है थोड़ा सा रिलैक्स भी देना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।